हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले एक सीरीज जिसमें हम अर्थमेटिक मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम उसको धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमने पहला टॉपिक लिया है कार्य और समय। कार्य और समय मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ क्या होता है। मान लेते हैं आपने एक पेंटर को बुलाया, उसका नाम मनोज है, और आपने उसको कहा कि इस दीवार को पेंट करना है, जो यहाँ पे एक दीवार दिख रही है। अब मनोज क्या कहता है कि भैया 4 दिन लगेंगे काम करने में। आप कहते हो कि चलो ठीक है, तो मनोज क्या करेगा, इस दीवार को 4 हिस्सों में बांट लेगा। ठीक है, 1 2 3 4, और एक दिन में कितना हिस्सा कवर करेगा, एक हिस्सा। ठीक है, एक पार्ट को एक दिन में कर लेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी एक दिन में एक ही हिस्से को करने की है। तो एक दिन में वो इस टोटल जितना भी काम है, टोटल काम कितने दिन का है, 4 दिन का, इसका कितना हिस्सा करेगा, एक चौथाई हिस्सा ही कर पाएगा। ठीक है, तो अगर मनोज को 4 दिन लगते हैं कार्य करने में लगा समय, अगर उसको संपूर्ण पूरा कार्य करना है उसको 4 दिन लगते हैं। ठीक है, अब एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा वो एक चौथाई। ठीक है, उन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा पेंट कर पाएगा। अगले दिन क्या करेगा, सेकंड हिस्सा कंप्लीट करेगा, तो 2 दिन में कितना करेगा, वो 2 हिस्से कंप्लीट कर चुका होगा 4 हिस्सों में से। उसी तरह 3 हिस्से हैं, फिर 4 हिस्से हैं। ठीक, पर आप क्या कहते हो, काम देने से पहले आप कह देते हो कि नहीं भाई, हमको तो काम जो है वो 2 दिन में कंप्लीट कराना है। तो मनोज क्या कहेगा कि भैया इसके लिए मुझको और आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो वो अपने साथ क्या करेगा, एक आदमी को और ले आएगा। ठीक है, अगर वो अपने साथ एक आदमी को और ले आएगा, मान लेते हैं उसके साथ आ गया है श्याम। अब यहाँ पे 2 आदमी हो गए, अब इनकी दोनों की काम करने की जो क्षमता है वो बराबर है। ठीक, अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों इस काम को जो पहले अकेला मनोज 4 दिन में कंप्लीट कर रहा था, अब ये दोनों मिलकर काम को क्या करेंगे, 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। मनोज पहले इसको करेगा, मान लेते हैं श्याम ने इसको पेंट किया, अगले दिन आके इसने इसको किया, उसने इसको किया, तो जो काम पहले 4 दिन में हो रहा था वो अब 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अगर काम करने वाले जो आदमी है उनकी संख्या अगर बढ़ती है तो जो काम करने में जो दिन लगेगा वो कम हो जाते हैं, उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाते हैं। आदमी डबल हो गए तो काम क्या है, आधे टाइम में खत्म हो गया है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, जब हमको काम थोड़ा जल्दी कराना होता है तो उसी प्रोपोर्शन में आदमी ज्यादा लगाने होते हैं। ठीक है, तो इससे एक फॉर्मूला बनता है, जो कार्य होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है आदमियों की संख्या मल्टीप्लाई में दिन, कितने दिन वो काम करेंगे। ठीक है, अगर इसमें हम घंटे का भी जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, पर उसकी अभी जरूरत नहीं है। अभी हम क्वेश्चन सिर्फ इन 2 पे ही फोकस रखेंगे, इन 3 क्वांटिटी पे ही रखेंगे। तो कार्य को कहते हैं W, आदमियों की संख्या को कहते हैं M, और दिन की संख्या को कहते हैं D। ठीक है, आगे हम इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, हम W, M और D के बारे में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, जो इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स। इनवर्स का मतलब एक की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू उसी प्रपोर्शन में कम हो जाएगी, उसी अनुपात में कम हो जाएगी। अगर आदमी की संख्या बढ़ा दोगे तो उसी अनुपात में लगने वाले दिन की संख्या कम हो जाएगी, अगर सेम काम कर रहे हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन कैसे आएंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे कि मान लो एक आदमी की कैपेसिटी ज्यादा है काम करने की, दूसरे आदमी की कम है, तो फिर इस रिलेटेड टाइप क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आपको क्या कहता है, मान लेते हैं एक काम है उसमें 22 लोग लगे हुए हैं और वो उसको 16 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं 16 लिख रहा हूँ डी, समझ जाना ये दिन है और ये आदमियों की संख्या। अब शॉर्ट्स में ही हमको काम करना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता पेपर में काम करने का। ठीक है, अब क्या होता है कि आदमियों की संख्या बढ़ा के कर दिया उन्होंने 32। ठीक है, तो अब बताओ काम कितना जल्दी खत्म हो जाएगा, अब टोटल काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो हमारा वही फॉर्मूला है, W का M D, काम तो सेम है, तो M1 D1 बराबर है M2 D2। अब हम क्या करेंगे, हमको D2 निकालना है कि कितने दिन लगे दूसरी बार में। तो 22 की मल्टीप्लाई करो 16 में, उस तरह 32 की मल्टीप्लाई करनी है हमको D में। ठीक,
अब इसको कट करने है, तो कट करेंगे तो 16 से कट हो जाएगा दो बार, और दो से कट हो जाएगा ये 11 बार, तो डी टू का मान आया है 11। ठीक है, तो अगर आप 32 लोग एक साथ काम करेंगे तो काम 11 दिन में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। मान लेते हैं 16 आदमी 7 दिन में एक काम को कंप्लीट कर देते हैं, उसी काम में अगर शुरू से हम 28 आदमी को लगाए तो काम कितना जल्दी खत्म होगा, वही हमारा 16 × 7 28 × d2। 7 से कट जाएगा 4 बार और 4 से कट जाएगा ये 4 बार, तो दिनों की संख्या आ गई 4। ठीक है, तो 4 दिनों में ही काम कंप्लीट कर लिया जाएगा अगर 28 आदमी एक साथ काम करते हैं। ठीक है, ये तो थे बेसिक क्वेश्चन। अब थोड़े से इसमें क्या होता है कि पुरुष और महिलाएं फिर बच्चों को भी इंक्लूड कर देते हैं, या दो आदमी एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक आदमी बीच में काम छोड़ के चला जाता है, तो उसमें क्या हमको कैलकुलेशन कैसे करनी है वो हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, एक और क्वेश्चन है। मान लेते हैं 18 महिलाओं को वुमन लिखते हैं, W से मैंने डिनोट किया है, किसी काम को 12 दिन में खत्म कर लेती है, कुछ भी काम हो सकता है, वो कोई सिलाई का काम हो सकता है, कोई पेंटिंग का काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, उसी काम को अगर 12 लोग मिलके करे, 12 आदमी मिलके करे, तो वो 9 दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर 8 उसमें क्या लगे आदमी और 8 ही लगे उसमें महिलाएं, ठीक है, पुरुष और महिलाएं 8-8 अगर लग गए तो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे वो हमको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, पर ये काफी आसान क्वेश्चन है। कैसे, काम तो सेम ही है, तो काम सेम होता है तो हम क्या रखते हैं, M1 D1 M2 D2। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 18 औरतें जितना काम करती है, यहाँ पे इनको W को वर्क मत मानना, ये वुमेन के लिए है। ठीक है, 12 दिनों में जितना काम करती है उतना ही 12 आदमी 9 दिन में कर देते हैं, तो 12 आदमी उतना ही काम 9 दिन में कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कट करते हैं भाई, 12 से 12 काट दिया हमने, ठीक है, और दिन से दिन काट दिए, 9 से काट देंगे इसको 2 बार। ठीक, तो इधर बचा है 2 W और मैन, इससे हमको क्या पता चलता है, मतलब आदमी की काम करने की जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, वो डबल है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है 8 आदमी, 8 आदमी कितना काम कर सकते हैं, जितना 16 औरतें कर सकती है, तो इसकी बात करेंगे तो 16 औरतें प्लस 8 तो कितनी हो गई है हमारे पास, ठीक है, 24। अब हमें ये पता है कि 18 औरतें 12 दिन में काम कर देती है, तो 24 औरतें कितने दिन में काम करेगी, फिर से वो फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा M और D वाला। ठीक है, अब हमें पता है कि 18 औरतें जो है वो 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेती है, तो 24 औरतें काम कितने दिन में कंप्लीट करेगी। ठीक है, अब बस इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो 12 से काट देंगे 2 बार और 2 से कट जाएगा ये 9 बार, तो D कितना आ गया हमारा 9 दिन, तो D आ गया 9 दिन। तो अगर दोनों 8-8 मिलके काम करें, 8 औरतें और 8 पुरुष, तो काम हो जाएगा हमारे 9 दिन में कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था इस टाइप का। देखो दोस्तों, एक और क्वेश्चन है। मान लेते दो लोग हमारे पास है, ए और बी। ए जो है किसी काम को 15 दिन में खत्म कर लेता है, ठीक है, अगर वो अकेला काम करता है। वहीं अगर बी अकेला काम करेगा तो 10 दिन में काम खत्म कर लेगा, मतलब बी ज्यादा कैपेबल है ए से, दिख ही रहा है। पर क्या होता है कि 2 दिन बाद ही अगर ये क्या होता है कि दोनों काम साथ शुरू करते हैं। ठीक है, अब शुरू करने के 2 दिन बाद ही बी काम छोड़कर चला जाता है, अब बाकी बचा हुआ काम क्या है, ए को ही करना होता है। अब हमें बताना है कि ए को काम करने में कितना टाइम लगा और पूरा जो काम है वो कितने दिन में खत्म हुआ। इन 4 ऑप्शन में से वो बताना है कि पूरा काम करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है, देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। तो ए को 15 दिन लगते हैं और बी को लगते हैं 10 दिन। अब क्या करेंगे, हमें ये नहीं पता कि काम है कितना, कोई सिलाई का काम हो सकता है, मान लेते कि कुछ शर्ट हमको सिलनी है, इन दोनों को मिला के जो टोटल शर्ट है, बी 15 दिन में उनको सिल लेता है और जो बी है वो 10 दिन में, तो इनका हमको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 30। अब 30 एलसीएम आ गया, इसका मतलब ये होता है हमारा एक तरह से समझो वर्क, 30 शर्ट उनको सील ली है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया कि 30 शर्ट है, तो ए जो है 15 दिन में 30 शर्ट सील देता है, तो हर दिन कितनी शर्ट सीलता है, वो 2 इकाई सील देता है हर दिन।
ठीक है। उसी तरह बी हर दिन 3 इकाई शर्ट या 3 शर्ट हर दिन सिल देता है, ठीक। अब दोनों ने काम किया, एक दिन में टोटल कितना काम करेंगे, ये 2 शर्ट सिल रहे हैं और 3, 5 हो गई, तो 2 दिन में कितने हो गई, 10। तो 2 दिन में कितना शर्ट सिलेंगे, 2 दिन में ये सिल देंगे हमारे 10 इकाई काम खत्म कर देंगे। अब कितना बचता है, बचा कार्य भाई 10 हो चुका है 2 दिन में, बचा है 20, ठीक। अब 20 शर्ट को सिलना है ए को अकेले, बी की क्षमता कितनी है, 2 शर्ट सिलने की, तो 20 शर्ट को कितने दिन में करेगा, ए को जो दिन लगेंगे वो लगेंगे 20/2, मतलब कि 10 दिन, ठीक है। जो ए है वो 2 दिन के बाद 10 दिन और काम करेगा और पूरी की पूरी जो 20 शर्ट है वो सील देगा। अब टोटल देखो, 2 दिन तो साथ में काम किया और 10 दिन उसने अकेले काम किया, तो टोटल जो दिन लगेंगे वो लगेंगे हमारे 12, ठीक है। तो 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 12। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी है वो किसी काम को 5 दिन में अकेला खत्म कर सकता है, पर अगर वो आदमी अपने बेटे के साथ उसी काम को करे 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब हमें बताना है कि उसका बेटा अगर अकेला काम करे तो उसको कितने दिन लगेंगे उस काम को पूरा करने के लिए, ये हमारे ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम आएगा 15, मतलब कि जो वर्क है, जो काम है, मान लेते हैं 15 है, कुछ भी आइटम हो सकते हैं, 15 उनको बनाने हैं, तो 15 बनाने के लिए ये हर 5 दिन में बनाएगा, तो हर दिन इसको कितना बनाने पड़ेंगे, 3, तो ये 3 इकाई हर दिन बनाएगा और ये 5 इकाई, ठीक है। आदमी अकेला 3 इकाई बनाता है, आदमी और उसका बेटा दोनों मिलकर बनाते हैं 5 इकाई, तो इसका मतलब बेटा हर दिन कितना बनाता है, 5 में से 3 गए तो 2, बेटा जो है 2 इकाई प्रति दिन, ठीक है, हर दिन 2 इकाई बनाता है, ठीक है, या जो काम है वो उसका 2 इकाई करता है हर दिन। अब बेटे को 15 इकाई काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उसको दिन लगेंगे, वो ये जो हमारा कार्य है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। एक दिन में वो जो बेटा है वो 2 बनाता है, 2 इकाई काम करता है, तो 15 इकाई बनाने के लिए उसको 15/2, तो ये आ जाएगा 7.5 दिन, ठीक है। तो आंसर आ गया सी। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या होता है, ए और बी, ए जो है किसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है, वहीं बी 30 दिन में खत्म कर सकता है। अब क्या होता है, ए और बी ने कुछ टाइम के लिए साथ में काम किया, फिर बी क्या हुआ, काम छोड़कर चला गया, ठीक। जो बचा हुआ काम था वो ए ने 10 दिन के अंदर पूरा किया, ठीक है। अब हमें बताना है कि उन दोनों ने साथ में कितने दिन तक काम किया, ठीक। अच्छा, हमको इसमें जब ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, दिन, कितने दिन में, कितने दिन उन दोनों ने साथ में काम किया, तो हम क्या करेंगे, सेम वही चीज करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60, मतलब काम जो है 60 है, 60 इकाई, ठीक है। जैसे मैंने भी बताया था, मान लेते हैं उनको जो 60 है वो शर्ट बनानी है, तो बी हर दिन कितना शर्ट बनाएगा, 3, ठीक। उसी तरह बी कितनी बनाएगा, 2 इकाई पर डे, ठीक है। अब क्या होता है कि ए जो है वो अगर 10 दिन तक अकेला काम करेगा, तो ए 10 दिन में कितना काम करेगा, अगर वो 3 इकाई या 3 यूनिट काम एक दिन में खत्म करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा ए, तो वो करेगा 30 इकाई, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए ने 30 इकाई काम अकेले खत्म किया, और जो शुरू का 30 इकाई काम था वो दोनों ने साथ में मिलकर किया है, ठीक है। तो ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 3+2, तो ए प्लस बी जो है एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 इकाई, ठीक है, प्रतिदिन। और 30 इकाई करने में इनको कितना टाइम लगेगा, समय लगेगा इनको 30 इकाई काम करने में, जो शुरू का 30 इकाई काम है, कितने दिन, कितना करते हैं एक दिन में, 5, और करना कितना है इनको, 30, तो इनको लगेंगे 6 दिन, ठीक है। तो आंसर आ गया 6 दिन, ठीक है। इसको एक बार और समझो, ए और बी ये 20 दिन में काम खत्म करता है 30 दिन में, एलसीएम लिया तो आ गया 60, तो मतलब कि मान लो कुछ भी इनको बनाना है, 60 बनाना है, ठीक है, 60 इकाई इनके पास काम है, तो ये हर दिन कितने इकाई काम करेगा, 3 इकाई, और ये 2 इकाई, एक दिन दोनों मिलके एक दिन में कितनी इकाई काम करते हैं, 3 और 2 5, ठीक। अब क्या होता है कि ए ने 10 दिन में कितना काम किया होगा अकेले, जब बी छोड़ के चला गया, तो ये 3 इकाई काम करता है तो 30 इकाई,
उसके बाद जो शुरू का 30 इकाई काम है वो दोनों ने साथ में मिलकर किया, और दोनों साथ में मिलकर 5 इकाई काम एक दिन में कर देते हैं, तो 30 इकाई कितने में करेंगे, 30/5, 6 दिन में। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 6 दिन। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, ए और बी साथ मिलकर 8 दिन में किसी काम को खत्म कर देते हैं, अगर बी और सी उसी काम को करें तो 6 दिन में खत्म हो जाता है, सी और ए मिलकर 10 दिन में खत्म कर देते हैं। अब हमें बताना है अगर तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाता है, ये हमको निकालना है। सेम क्या करेंगे, वही हमको लेना है इनका एलसीएम, 8, 6 और 10 का एलसीएम कितना आएगा। ठीक है, तो एलसीएम आएगा 120। ठीक है, तो जो कार्य है जिसको वर्क कहते हैं वो है 120। ठीक, 120 कार्य करने के लिए इसको कितना इकाई काम करना पड़ेगा हर दिन, तो 120 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15। तो ये 15 इकाई काम हर दिन करेगा, ये कितना करेगा, 20 इकाई काम, और ये 12 इकाई काम। ठीक है, अगर अकेले ये दोनों मिलकर काम करें, क्योंकि 8 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो 8 दिन में अगर 15 इकाई काम हर दिन करें तभी तो 120 इकाई काम होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ए और बी मिलके जो शर्ट बनाते हैं वो 8 दिन में सारी शर्ट बना लेते हैं, मतलब 120 शर्ट 8 दिन में बना देते हैं, तो दोनों मिलके पर डे कितनी बनाएंगे, 15। उस तरह पर डे कितना बनाएगा, ये 20 और ये 12। ठीक है, अब बात आती है कि तीनों एक साथ मिल जाए तो तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 + 20 + 12। ठीक है, हम इनको ऐड कर देते हैं, तो देखो जब इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये एक दिन में कितना करेंगे, 1 दिन में इनका काम होगा 15 और 20 = 35, 47 इकाई, ए प्लस बी प्लस सी ये करेंगे 47 इकाई बटे 2 पर दिन। ठीक है, तो ये तीनों एक दिन में कितने इकाई काम खत्म करेंगे, 47/2। अब टोटल कार्य कितना है, 120 इकाई, तो कितना दिन लगेंगे इनको, जो टोटल काम होता है उसको भाग कर देना है जो हर दिन वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 47, 2 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, इतने लगेंगे इनको दिन। अब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा ये। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5/47 दिन, तो आंसर हो गया सी। एक बार और समझते हैं, देखो भाई ए और बी मिलकर 8 दिन लगाते हैं, ये 6 दिन और ये 10 दिन, टोटल जो कार्य निकला है एलसीएम लेके 120, तो 120 करने के लिए इनको हर दिन 15 इकाई बनानी पड़ेगी, इन दोनों को 20 और इसको 12, तो ये तीनों अगर मिल जाए तो एक दिन में कितने इकाई काम करेंगे, 47/2। ठीक है, एक दिन में इतना काम करते हैं, तो 120 काम करने के लिए इनको कितने दिन लगेंगे, बस जो टोटल काम है उसको भाग कर देना है हमको जो इनका एक दिन का काम है। ठीक है, तो आंसर देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है, ए और बी एक काम को 12 दिन में खत्म कर देते हैं, बी और सी मिलके 8 दिन में और सी और ए मिलके 6 दिन में। अब हमें बताना है कि जो बी है वो अकेला अगर उसको काम दिया जाए कितने दिन में खत्म कर लेगा। हमें निकालना है पहले इनका एलसीएम, एलसीएम निकालने से हमको पता चलता है कि आखिर जो काम है वो कितने इकाई काम है, मतलब काम कितना है। ठीक है, 12, 8 और 6, इन तीनों का जो हमारा एलसीएम होता है 24 होता है। ठीक है, तो जो काम है हमारा वो टोटल काम 24 इकाई है, कुछ भी हो, कोई टी शर्ट बनानी हो, मोबाइल फोन बनाना हो, वो 24 है। अगर ये दोनों मिलकर 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं, ये 2 इकाई, तो ये 2 इकाई काम हर दिन खत्म कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह ये दोनों मिलकर करते हैं 3 इकाई, ठीक है, हर दिन, और ये 4 इकाई हर दिन। ठीक है, अब बात आती है कि हमें निकालना है बी, सबसे पहले हमें निकालना है कि ये तीनों अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका ए प्लस बी प्लस सी जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो इनका जो काम है वो सब ऐड हो जाएगा, 2 + 3 = 3 + 4, तो कितना आएगा, 9। ठीक है, तो ये अब 2 आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा प्लस सी, 9/2 इकाई प्रतिदिन। ठीक है, हर दिन कितने इकाई काम करते हैं, 9/2, लगभग 4.5। ठीक है, अब उसमें से देखो हमें निकालना है बी का,
सी और ए मिलकर कितने इकाई काम करते हैं, चार, ठीक है। तो ए और सी कितना करते हैं, चार, तो बी कितना करेगा, इसको 4.5 लिख सकते हैं और ये करते हैं चार, मतलब कि 0.5 इकाई पर डे, ठीक है। हर दिन कितना करता है, 0.5। अब हमें जो बी को अकेला काम कितना करना है, 24, ठीक है, 24 इकाई बनानी है और हर दिन कितनी बना रहा है, 0.5। तो इसको दिन लगेंगे जो बी को लगेंगे, जो टोटल यहाँ पे काम है 24, इसको भाग कर देना हमको 0.5 से, तो आंसर आ जाता है हमारा 48 दिन, ठीक है। तो काम खत्म हो जाएगा 48 दिनों के अंदर, ठीक है, ये था इसका आंसर। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन ये है, ए जो है किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में खत्म कर देता है, ठीक है, फिर क्या होता है कि बचा हुआ जो काम है वो दोनों वो बी के साथ मिलकर उसको 4 दिन में खत्म कर देता है, तो बचा हुआ काम कितना है, 3/10, ठीक है। तो शेष कार्य कितना है, 3 इकाई, ठीक है, और 3 इकाई को खत्म करने के लिए वो 4 दिन लगा देता है, ठीक है, कौन, ए प्लस बी, ठीक है। अब हमें बताना है कि अगर शुरू से दोनों साथ लगे, दोनों ही शुरू से काम करें, तो काम कितने दिन में खत्म होगा, बेसिकली उनको 10 इकाई काम करना है, ठीक है, 3 इकाई काम 4 दिन में होता है, तो 10 इकाई काम कितने दिन में होगा, जब ए प्लस बी दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 गुणा में 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13/1/3, ठीक है, इतने दिन में दोनों सही काम खत्म कर देंगे, ठीक है, लगभग 13 दिन से थोड़ा एक्स्ट्रा। देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है, ए और बी हमारे पास दो लोग हैं, दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो 4 दिन में काम खत्म हो जाता है, पर अगर अकेला ए करेगा तो उसको 6 दिन लगेंगे। अब हमें बताना है कि अगर बी अकेला काम करे तो कितने दिन में काम कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी ये 4 दिन लेता है और ए हमारा सिर्फ 6 दिन लेता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इसका मतलब जो काम हमारा है वो 24 इकाई है, ओ एक मिनट, जो कार्य है वो 12 इकाई है, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 12 होता है। अब इनको हर दिन कितने इकाई काम करना होगा, अगर ये 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 12 करना है इनको, तो 3 इकाई, ठीक है, तो ये 3 इकाई काम हर दिन खत्म करेंगे। ए कितना काम खत्म करता है, 2 इकाई पर डे, ठीक है। अब बात आती है, दोनों मिलके 3 इकाई बनाते हैं और अकेला ए 2 इकाई बनाता है, तो मतलब बी कितना बना रहा है, जो बी कार्य कर रहा है वो 1 इकाई पर डे, हर दिन सिर्फ वो 1 इकाई काम करता है, तो 12 इकाई काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 12 ही दिन लगेंगे, तो दिन लगेंगे उसको, ये टाइम लगेगा 12/1, मतलब कि 12 दिन, ठीक है, तो बी को 12 दिन लगेंगे उसी काम को खत्म करने के लिए, तो आंसर हो गया इसका ए। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ए जो है वो 25 घंटे लगाता है 75 पेज को लिखने में, ठीक है, वहीं ए और बी साथ में 27 घंटे में 135 पेज लिख देते हैं। अब हमें बताना है बी को अगर 42 पेज लिखने हो तो कितना टाइम लगेगा। अच्छा, ए जो है, ए की जो बात करें, वो 1 घंटे में कितने पेज लिख सकता है, जब 25 घंटे में 75 पेज लिख सकता है, तो 1 घंटे में 75/25, मतलब कि 3 पेज लिख सकता है 1 घंटे में। उसी तरह वन ए और बी मिलके 1 घंटे में कितने पेज लिखेंगे, 135 को भाग करेंगे 27 से, तो आएगा 5 पेज, ठीक है। अकेला ए जो है वो 1 घंटे में 3 पेज लिखेगा, तो बचे हुए 2 पेज कौन लिखेगा, बी, तो जो बी है वो 1 घंटे में कितने पेज लिखेगा, 2 पेज, ठीक है, 5 में से 3 गए तो 2, दोनों साथ में मिलके 5 पेज लिखते हैं, उनमें से 3 पेज जो है वो ए ने लिखे हैं, तो बाकी बचे 2 पेज कौन लिखेगा, बी। बी 1 घंटे में 2 पेज लिखता है और उसको कितने पेज लिखने हैं, 42, तो समय कितना लगेगा, 42/2, मतलब कि 21 घंटे, ठीक है, आवर लिखो या घंटे लिखो, तो 21 घंटे उसको लगेंगे पेज को लिखने में, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन आता है अगला, कोई कार्य है उसको ए 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में, ठीक है। अब वो तीनों शुरू काम करना शुरू करते हैं एक साथ, 2 दिन तक काम करते हैं, फिर बी जो है वो छोड़ के चला जाता है, तो जो बचा हुआ काम है वो ए और सी कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, इन सभी ऑप्शन में से। तो ए, बी और सी हो गया हमारा, तो ये करेगा 10 दिन में, ये 12 में, ये 15 में। अब हमें क्या करना है, तीनों का एलसीएम ले लेना है, कितना एलसीएम आता है तीनों का, 60, ठीक है।
तो टोटल कार्य है वो 60 इकाई है, ठीक है, कुछ 60 हमको बनाना है। तो एक कितने दिन लेगा, हर दिन उसको कितना बनाना पड़ेगा, अगर ये 10 दिन में काम कंप्लीट करता है तो 6, ठीक है, इसको 6 हर दिन, इसको 5 इकाई काम करना होगा हर दिन, और इसको 4 इकाई काम करना होगा हर दिन, ठीक है। इकाई मैंने बार बार नहीं लिखा है, वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हर दिन कितना काम करेगा, 6 इकाई, ये 5 इकाई और ये 4 इकाई, अगर ये तीनों मिलके काम करे, ठीक है, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 1 दिन में कितना काम करेंगे, 6 + 5 + 4, तो ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों काम करे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, ये 6, 5, 11 और 4, 6 + 5 + 4, तो ये हो जाएगा हमारा 15 इकाई, ठीक है। और 2 दिन में कितना करेंगे, सीधी सी बात है 30 इकाई। तो ये 2 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, तो उन्होंने 60 से 30 इकाई काम कर दिया, लगभग आधा काम खत्म कर दिया। अब बचा 30 इकाई, वो 30 इकाई काम किसको करना होगा, ए और बी को, ठीक है। तो यहां पे लिखो शेष 30 इकाई काम कौन करेगा, ए प्लस सी, दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। मतलब ए कितना काम करता है, 6 और ये 4, ठीक है। ए और सी जो है वो 1 दिन में कितना काम खत्म करते हैं, 10 इकाई, ठीक है। और 30 इकाई काम कितने दिन में खर्च करेंगे, तो उनको समय लगेगा 30 इकाई काम खत्म करने में, जो 1 दिन में कितना करते हैं वो 10 इकाई, तो ये आ जाएगा 3 दिन, ठीक है। तो काम खत्म करते हैं वो 3 दिनों में, ठीक है, 3 दिन में काम खत्म कर देंगे। दोबारा समझो बच्चों इसको, 3 लोग हैं एबीसी, तीनों ये 10 दिन में काम खत्म कर सकता है, ये 12 में, ये 15 दिन में, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम लिया हमने, 60 आ गया। 60 इकाई काम इसको खत्म करने के लिए इसको कितना हर दिन कितना काम करना होगा, 6 इकाई, ये 5 इकाई काम करेगा, ये 4 इकाई, ठीक है, अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अब बात आती है अगर तीनों ये 2 दिन तक साथ काम करें, तो 1 दिन में ये कितनी इकाई काम करते हैं, 6 + 5 + 4, 15 इकाई, 2 दिन तक साथ काम किया तो इसका मतलब 30 इकाई काम किया। बचा हुआ 30 कौन करेगा, ए और सी, ठीक है। ए और सी जो है 1 दिन में 10 इकाई काम खत्म करते हैं, तो 30 इकाई कितने दिन में खत्म करेंगे, 3 दिन में, पहले 10 फिर 10 फिर 10, तो आंसर आ गया 3 दिन।